हमारे श्रद्धेय नेता माननीय अशोक भारती जी, जो नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस के संस्थापक भी है, और उनसे मेरा जो बात हुआ तब, तो वो सबीरपुर में जो हमारे दलित भाइयों पर, जो दलित परिवार पर जो अत्याचार हुआ, वो खुद वहां जाके समीक्षा लिए और उन्होंने पूरा एक रिपोर्ट तैयार की और विभिन्न देश के संगठन को आज एकत्रित करके हम सब आज यहाँ बैठे हैं कि वो घटना जो खाली एक घटना नहीं है, सब जानते हैं, रोहित बिमुला से लेके गुजरात के ऊना से लेके सारी घटनाओं को आज हम यहाँ पर समीक्षा करके क्या हल निकाल सकता है, इसमें आज हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। और आप सब जानते ही हैं, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस देश के करीब 25 राज्यों से 2400 दलित आदिवासी पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के जो संगठन है, इसको मिला के हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। कल ही भारत सरकार के जो पूर्व बजट जो विमर्श होता है, उसमें भी नैकडोर हमारे देश के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो बजट के बारे में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये सारा का सारा जो मांगे हैं हम लोग सरकार के समक्ष रखने जा रहे हैं। और आज का जो कार्यक्रम जो हम यहाँ पर देश के लगभग सभी राज्यों से यहाँ पर माननीय नेतागण, साथ में हमारे ग्राम स्तर से लेके जिले, राज्य और पूरे देश के जो हमारे दलित आदिवासी और पिछड़ों और माइनॉरिटीज के जो समाज है, उन्हें नेतृत्व देने वाले जितने भी नेतागण हैं आज यहाँ पर आए हुए हैं, मैं इस बारे में आप लोगों के सामने में एक ही बात रखना चाहता हूं। बहुत सारे समीक्षा हुआ, भारत स्वाधीन हुए 70 साल हो गए, 70 साल में जितने भी घटनाएं घटी हमारे समाज के ऊपर, ये खाली समीक्षा ही रह गए, हमने अभी तक न्याय नहीं मिले। तो मुझे लगता है कि हम खास करके नैकडोर, खास करके हम लोग देश में जितने भी घटनाएं हो रहा है उसमें हम लोग, जब ये 2001 से माननीय अशोक भारती जी के नेतृत्व में गठन हुआ, तब से हम देश में दलित और आदिवासी और बाकी अल्पसंख्यक और पिछड़ों जाति के समस्या जो भी है उसमें हम लोग एक डाटा तैयार करने में लगे हुए हैं। और अभी अभी माननीय भारती जी बोल रहे थे कि करीब 50,000 से ज्यादा एट्रोसिटीज केस अभी नेशनल क्राइम ब्यूरो में रजिस्टर्ड है। भाइयों, हमारे ऊपर जितना अत्याचार है इसका ब्यौरा तो हमारे पास है, सरकार के पास भी है, लेकिन हमें लगता है कि अभी हमें एक नया स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। हमें खाली न्याय नहीं चाहिए, हमें खाली न्याय नहीं चाहिए, हमें अब सरकार से एक मांग करना पड़ेगा कि ये जो घटनाएं हो रहे, दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसमें गुनेगार तो
गुनेगार का जिम्मेवार तो वहां है ही, लेकिन उसमें प्रशासन की भूमिका जो है इसमें हम लोगों ने शायद गौर नहीं किया है। तो सरकार से हमें एक इंडिपेंडेंट जो है कमिटी गठन करने की मांग करनी चाहिए, जो किसी भी तरह की प्रेशर में वो नहीं आनी चाहिए उसे, और देश में जो चलाने वाले जो मशीनरीज है उनके ऊपर भी, उनका काम करने का ढंग पर भी एक रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। और उस रिपोर्ट में अगर किसी को भी दोषी पाया जाएगा तो जैसे हमारे गरीब लाचार समाज को जिस तरीके से कानून लगा के सजा दिया जा रहा है, जैसे कि अभी हमारे भीम आर्मी के साथी चंद्रशेखर जी को जिस हालत में भी सरकार ने, जब सरकार की जो एक नीतिगत, इसे नीति नहीं कुनीति बोलता हूं मैं, उनका जो हालत अभी बनाया है ये बिल्कुल गलत है। और एडमिनिस्ट्रेशन के पक्ष में भी अगर ऐसा कुछ आता है तो ऐसा ही सजा का प्रावधान होना चाहिए। नहीं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था प्रबुद्ध भारत का, चाहे कोई भी सरकार आए ये कभी साकार होने वाला नहीं है भाइयों। तो हमें अब हमारे जो काम करने का जो तरीका है, शायद हमें लगता है कि इसी में कुछ खामियां है, और मैं आशा करता हूं कि आज हम लोग यहां बैठ के कुछ ना कुछ ऐसा निष्कर्ष में आएंगे कि माननीय अशोक भारती जी के नेतृत्व में आज के उपरांत हम लोग जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें 100% सफल मिले। और मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं, बस इतना ही कह के मेरा अपना छोटा सम्मान में यही सब।